मुर्दाबाद मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मणिपुर के सामूहिक रेप की घटना से आक्रोशित जदयू कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शहर में विरोध मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला फूंका। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। पुतला दहन के बाद जदयू महानगर अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर की घटना से पूरा देश आक्रोशित है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देकर घटना की निंदा करते हैं। इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों ने आज विरोध जुलूस निकाल कर पुतला दहन किया है। अगर मणिपुर के सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुई तो हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि मणिपुर में लगभग 80 दिनों से हिंसा जारी है। हिंसा के दौरान 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पूरे शहर में घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक रेप किया है। इस दौरान महिलाओं के परिजनों को गोली मार दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना से देश के लोग आक्रोशित है। ये मणिपुर में देश को, मानवता को, माँ बहन के इज्जत को संसार करने वाली मणिपुर के एक शहर में 3 वृद्ध महिलाओं, 1 वृद्ध महिला और 2 लड़कियों के साथ, 3 लोगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसपे पूरा देश भवा गुस्से में है। और हमारे देश के प्रधान मंत्री जी और मणिपुर के भाजपा शासित सरकार मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी सिर्फ अफसोस जाहिर करके हमारी माँ बहनों की इज्जत को सिर्फ नीलाम होने का और देख तमाशा देखने का कार्य कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज महानगर जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरपुर ने प्रतिरोध मार्च किया है और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है मुजफ्फरपुर में। और राष्ट्रपति महोदया के नाम से हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने के लिए, भाजपा शासित सरकार को बर्खास्त करने के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं।